हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग हैप्पी और हेल्दी होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल rgcsk.edu में। मैं हूँ ऑप्टम नंदिनी पांडे और मैं आज बात करने वाली हूँ ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन के बारे में। जी हाँ, तो ये हमारा आज का नया सेशन है और आज हम बात करने वाले हैं कि जो रिफ्रैक्टिव एरर्स हमारी आई में प्रेजेंट होते हैं उनको हम डायग्नोज कैसे करेंगे, स्पेशली ऑब्जेक्टिव मेथड की हेल्प से। ठीक है, अगर हम बात करें रिफ्रैक्शन की, ठीक, बेसिकली रिफ्रैक्शन की अगर बात की जाए तो ये एक प्रोसीजर है जिसकी हेल्प से हम आई में अवेलेबल रिफ्रैक्टिव एरर्स को फाइंड आउट करते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं डायग्नोसिस ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर और डायग्नोस्टिक एस्टिमेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर्स। तो रिफ्रैक्शन की अगर बात की जाए बेसिकली, तो ये एक मेथड जिसको हम परफॉर्म करते हैं रिफ्रैक्टिव एरर को डायग्नोस करने के लिए। तो रिफ्रैक्टिव एरर्स क्या हुई, जिसको हमें डायग्नोस करना है वो एक्चुअली होता क्या है। एरर का मतलब हम सभी जानते हैं, एरर का मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पर इम्बैलेंसिंग है, और रिफ्रैक्टिव यानी कि रिगार्डिंग टू रिफ्रैक्शन। ठीक, रिफ्रैक्टिव स्टेट की अगर हम बात करें तो हमारी जो आई है, हम सब पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, बात कर चुके हैं कि ये एक ऑप्टिकल मीडिया होता है जो कि हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं उनको क्या करता है, उनकी एक इमेज हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है और हम फील कर पाते हैं कि हमारे सराउंडिंग में कुछ अवेलेबल है। ठीक है, अब ये जो सारी चीज़ें हैं, जो विज़न है, इसको प्रोवाइड करने के लिए हमारी आई में डिफरेंट मीडियाज़ को इनबिल्ड किया गया है। ये नेचुरली है, ठीक है, डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको इनबिल्ड किया गया है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक प्रॉपर विज़न के फॉर्मेशन के लिए। ये स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमारा कॉर्निया हो गया, हमारा एक्वस ह्यूमर है, लेंस है, विट्रियस ह्यूमर है एंड एट लास्ट रेटिना। ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मिलके विज़न को, प्रॉपर विज़न के फॉर्मेशन को करते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है पेशेंट का रिफ्रैक्टिव स्टेटस। इसके बाद अगर हम एरर की बात करें तो कहीं ना कहीं जो प्रॉपर विज़न होता है, जो एक क्लियर पिक्चर होती है, उससे जो इम्बैलेंसिंग होती है उसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव एरर। यानी कि अगर हमारे विज़न में कोई डिट्रियोरेशन हुआ, कोई डिमिनिशन हुआ, तो हम उसको बोल देते हैं एरर ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, यानी मीडियाज़ में कोई वहाँ पर प्रॉब्लम पाई जा रही है। अब रिफ्रैक्टिव एरर्स होते क्या क्या हैं, तो रिफ्रैक्टिव एरर्स की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे कि हमारा मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया और एस्टिगमेटिज्म हो गया। क्या प्रेसबाइपिया? बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है, अक्सर लोगों को कहते हुए सुना गया है कि प्रेसबाइपिया इज़ ऑल्सो रिफ्रैक्टिव एरर, बट एक्चुअली अगर हम बात करें तो प्रेसबाइपिया एक फिजियोलॉजिकल फैक्टर है, इसको हम रिफ्रैक्टिव एरर्स के अंडर में काउंट नहीं करते बल्कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स के अंडर में काउंट करते हैं। ठीक, तो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और एस्टिगमेटिज्म जो हैं, ये थ्री टाइप के रिफ्रैक्टिव एरर्स हमारी आई में प्रेजेंट होते हैं। अब अगर बात की जाएगी रिफ्रैक्शन की, यानी अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन की कम्प्लीटली, तो दो टाइप से इस प्रोसीजर को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, पहला प्रोसीजर जो है वो होता है सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन और दूसरा हुआ ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन। सब्जेक्टिव यानी कि सब्जेक्ट डिपेंडेंट एंड ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट या फिर इंस्ट्रूमेंट डिपेंडेंट, यानी वो सारे प्रोसीजर्स जिसमें कि हमें पेशेंट की नीड होती है कि पेशेंट हमें बताएगा वो क्या फील कर रहा है और उस बेसिस पे हम डायग्नोसिस को प्रिपेयर करेंगे, तो वो हो गया सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन। वहीं अगर हम दूसरी टाइप में बात करें, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से किसी रिफ्रैक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं तो वो हो जाता है क्या हमारा ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन। जैसा कि इनका नाम है उसी के बेसिस पे इस प्रोसीजर को हम नाम दे देते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन के बारे में, यानी कौन कौन से वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी हेल्प से हम ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन को परफॉर्म करते हैं। बैकग्राउंड की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ डायग्राम्स हमने बनाए हुए हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को यहाँ पर
शो करते हैं। जैसे कि फर्स्ट डायग्राम हम अगर बात करें तो ये प्रेजेंट करता है हमारे AR यानी कि ऑटो रिफ्रेक्टोमीटर को। अगर हम सेंट्रल वन यानी कि सेकंड डायग्राम की बात करें तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारा किसको, फोटो रिफ्रेक्शन मेथड ऑफ ऑब्जेक्टिव रिफ्रेक्शन। वहीं अगर हम बात करें थर्ड की तो ये करता है हमारी रेटिनोस्कोपी को। रेटिनोस्कोपी के बारे में हम पिछले वाले सेशन में थोड़ी सी चर्चा कर चुके हैं, तो आज हम डिटेल में इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में और इन सभी प्रोसीजर्स के बारे में बात करने वाले हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आज के सेशन में मैं इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको डिटेल में बता सकूँ। तो अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स इसमें आते हैं, कौन कौन से प्रोसीजर्स आते हैं, तो हम इनको फिंगर टिप्स पे काउंट भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रोसीजर की बात करें तो आ जाता है हमारा क्या, रेटिनोस्कोपी। सेकेंड आ जाता है हमारा ऑटो रिफ्रेक्टोमेट्री। थर्ड आ जाता है हमारा फोटो रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल एस्टिमेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, यानी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मेथड की हेल्प से जब हम रिफ्रैक्शन को परफॉर्म करेंगे तो वो हमारा फोर्थ टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन आ जाता है। अब एक छोटा सा कन्फ्यूजन और, क्या किरेटोमीटर को भी हम ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन के मेथड में रख सकते हैं? जी हाँ, तो इन सम ऑफ द केसेस हम किरेटोमीटर की भी हेल्प ले सकते हैं ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन को करने के लिए। किस केस में, सिलिंड्रिकल पावर के केस में। यानी कि अगर सिलिंड्रिकल पावर पेशेंट की आई में प्रेजेंट है, थोड़ा सा लार्ज अमाउंट में सिलिंड्रिकल पावर प्रेजेंट है, तो हम उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं किरेटोमेट्री की हेल्प से कि कितना पावर एग्जैक्टली सेम आई में और डिफरेंट मेरिडियंस के डिफरेंस पे अवेलेबल है। तो वो भी हमारे लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल इंस्ट्रूमेंट की तरीके से काम करता है। शुरू करते हैं हम रेटिनोस्कोप की हेल्प से कि रेटिनोस्कोपी जो प्रोसीजर है हमारा वो हमें कैसे हेल्प करता है किसी भी पेशेंट की आई में प्रेजेंट रिफ्रैक्टिव स्टेटस को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे रेटिनोस्कोपी के प्रिंसिपल की। तो जो रेटिनोस्कोपी थी सबसे पहले ईयर 1859 में मिस्टर बोमेन के द्वारा हम सभी को इंट्रोड्यूस कराई गई। यानी सबसे पहले हमने रेटिनोस्कोपी को कब जाना, इन 1859 बाई मिस्टर बोमेन, उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराया। अब उसके बाद में जो डिफरेंट टाइप के हमारे रेटिनोस्कोप्स आए उनमें से एक इंस्ट्रूमेंट था जो कि सेल्फ इल्यूमिनेटेड स्ट्रीक रेटिनोस्कोप था। उसको इंट्रोड्यूस हमें किसने कराया, मिस्टर जैक सी कोपलैंड ने 1927 में हमें स्ट्रीक रेटिनोस्कोप से इंट्रोड्यूस कराया। तो ये रही एक स्मॉल हिस्ट्री ऑफ रेटिनोस्कोपी। बात कर रहे थे हम इसके प्रिंसिपल की, तो इसका प्रिंसिपल बहुत ही इजी है जिसमें ज़्यादातर लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, बट मैं आज इसको इजियर वे में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि अगर आपसे कभी कोई पूछेगा कि रेटिनोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या है तो आप उसको इजीली आंसर करेंगे कि इट इज़ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन अब एक्चुअली कैसे हुआ, जब लाइट रेज हमारी आई में एंटर करती हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगी, रेटिना से रिफ्लेक्ट बैक होके हमारे प्यूपिलरी एरिया पे एक मूवमेंट कॉज करती हैं और उस मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो पेशेंट के रिफ्रैक्टिव स्टेटस पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें सिर्फ दो तीन पॉइंट्स को ध्यान रखना है कि लाइट रेस रेटिना पर गई, रिफ्लेक्ट हुई, प्यूपिल पे आई और प्यूपिल पे वो मूव करने लगी। अब वो एक डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी ना, तो वो जो डायरेक्शन है वो पेशेंट की आई के रिफ्रैक्टिव स्टेटस पे डिपेंड करता है। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है और आई होप आप सबको ये समझ में भी आई होगी, ठीक है। तो ये रहा हमारे रेटिनोस्कोपी का प्रिंसिपल। अगर बात करें हम ऑप्टिक्स की कि रेटिनोस्कोपी काम कैसे करती है, तो ऑप्टिक्स के बारे में बात करने से पहले मेरे ख्याल से हमें इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर लेनी चाहिए ताकि हम जान सकें कि इंस्ट्रूमेंट होता कैसा है और वो काम कैसे करता है, ठीक है। तो अगर हम रेटिनोस्कोप की बात करें तो रेटिनोस्कोप हमारे पास में दो टाइप के अवेलेबल होते हैं, एक होता है जो कि मिरर रेटिनोस्कोप और दूसरा होता है सेल्फ इल्यूमिनेटेड रेटिनोस्कोप। मिरर रेटिनोस्कोप जो हमारा रहता है उसको रिफ्लेक्टिव रेटिनोस्कोप भी कहा जाता है। अब बात आई यहाँ पर रिफ्लेक्टिव रेटिनोस्कोप की, क्योंकि लाइट वेव्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो
किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जब जाकर टकराती हैं, जब स्ट्राइक करती हैं, तो सेम मीडियम में सेम एंगल से रिफ्लेक्ट बैक होती हैं। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए कि पेशेंट की रेटिना में तो नहीं चले जाएंगे ना देखने के लिए कि भाई कितना पावर है ज़रा बताओ, तो क्या करेंगे, वहाँ से एक हमें सेंस वापस चाहिए। ठीक है, अब वो सेंस हमें क्या प्रोवाइड कौन प्रोवाइड करता है, लाइट सेंस हमारा। ठीक है, यानी जो लाइट है वो जब हमारे रेटिना पर जाएगी, फोकस करेगी, स्ट्राइक करेगी, रिफ्लेक्ट होगी और वापस हमारे पास आएगी। तो मैसेज किसके थ्रू आया, उन लाइट रेज के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है फ्रॉम अवर रेटिना, जो लाइट रेज एंटर करती हैं वो वापस आती हैं प्यूपिल तक, जैसा कि हमने प्रिंसिपल में अभी डिस्कस किया हुआ। ठीक है, उसी के बेसिस पे हम मूवमेंट के बेसिस पे ये पता करते हैं कि पेशेंट की आई में कितना रिफ्रैक्टिव स्टेटस जो है वो कितना पावर वहाँ पर अवेलेबल था। ठीक, तो ऑप्टिक्स में रेटिनोस्कोप के टाइप्स में अगर हम बात करें, दो टाइप के रेटिनोस्कोप होते हैं, मिरर रेटिनोस्कोप यानी कि रिफ्लेक्टिंग टाइप, और दूसरा होता है सेल्फ इल्यूमिनेटेड। जो मिरर रेटिनोस्कोप है वो भी दो टाइप का होता है। ठीक है, कौन कौन सा, एक होता है हमारा प्लेन मिरर रेटिनोस्कोप और दूसरा होता है प्रीस्ले स्मिथ रेटिनोस्कोप। डायग्राम की हेल्प से मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि इन इंस्ट्रूमेंट्स की अवेलेबिलिटी आज के टाइम पर बहुत ही कम है, इनकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, इसलिए इनको बहुत ही कम अमाउंट में यूज़ किया जाता है। तो अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड वाला जो डायग्राम है वो प्लेन मिरर रेटिनोस्कोप को शो कर रहा है, और जो राइट वाला है वो प्रीस्ले स्मिथ रेटिनोस्कोप को शो कर रहा है। इसमें केवल एक प्लेन मिरर यहाँ पर अवेलेबल हुआ करता था, जबकि अगर हम बात करें प्रीस्ले स्मिथ की, तो इसमें एक प्लेन मिरर और उसके ही साथ में एक कॉनकेव मिरर भी प्रेजेंट हुआ करता था। ये काम कैसे किया करते थे? ठीक है, अब अगर रिफ्लेक्टिंग है, इनके पास अपना खुद का कोई इल्यूमिनेशन तो है नहीं, कोई बल्ब तो है नहीं कि इन्होंने जला दिया और हमें सारी चीज़ें दिखने लगी, ऐसा तो नहीं है ना। तो हमें क्या चाहिए होता था इसके लिए, एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ लाइट, यानी हमें इसके साथ एक और चीज़ प्रोवाइड करनी पड़ती थी, वो क्या, लाइट सोर्स। अब लाइट सोर्स में क्या वो सनलाइट होगी, क्योंकि अगर हम बात करें अपने अर्थ की, तो यहाँ पर लाइट का सबसे बड़ा सोर्स अगर कुछ है तो वो सन है ना, सनलाइट में ही हम सारा काम अपना परफॉर्म करते हैं। तो क्या सनलाइट से हम ये काम कर सकते थे, तो नहीं कर सकते, क्योंकि जो रिफ्लेक्स हमें जो ग्लो दिखता है वो काफ़ी डल रिफ्लेक्स होता है, और उसको हम सनलाइट में इतना बड़ा एक्सपोजर उसके सामने हम उसको फील नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पर चाहिए होता था एक स्मॉल लाइट सोर्स, और अगर पॉइंट लाइट सोर्स है तो वो बहुत ही बेटर हुआ करता था। ठीक है, एक्यूरेसी के पर्पस से पॉइंट लाइट सोर्स को हम यूज़ किया करते थे। अब ये पॉइंट लाइट सोर्स हुआ होता कहाँ था, कहाँ पर इसको रखा जाता था, प्लेस किया जाता था, बिहाइंड द हेड ऑफ द पेशेंट। बिहाइंड द हेड ऑफ पेशेंट क्यों, क्योंकि हम बात कर चुके हैं रिफ्लेक्शन की, रिफ्लेक्शन के लिए सेम डायरेक्शन से, सेम मीडियम से लाइट रेज का आना बहुत ज़रूरी है, तभी वो सेम एंगल पे उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होके जाएंगी, और रिफ्लेक्ट होके जाएंगी कहाँ, पेशेंट की आई पे। ठीक है, तो ऐसा एंगल उसमें सेट किया करते थे कि लाइट रेज आए, हमारे रिफ्लेक्टिव जो टाइप ऑफ रेटिनोस्कोप है उससे टकराएं, स्ट्राइक करें और रिफ्लेक्ट होके पेशेंट की आई में एंटर करें, और जो स्मॉल होल होता था उसकी हेल्प से एग्जामिनर उस लाइट के मूवमेंट को फील किया करता था और डायग्नोस करता था पेशेंट की आई में कितना रिफ्रैक्टिव स्टेटस है, कितना पावर अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट नहीं था, मैंने आपको थ्योरेटिकली ही इसको समझाने की कोशिश की है, और मुझे लगता है शायद आपको समझ में आया होगा। तो ये बात हुई हमारे रिफ्लेक्टिंग टाइप यानी कि मिरर रेटिनोस्कोप की। सेकेंड हमारे पास आया सेल्फ इल्यूमिनेटेड रेटिनोस्कोप, यानी कि बाद में ये सोचा गया कि अगर हमें लाइट सोर्स चाहिए ही तो हम उसको अलग से लेके क्यों घूमें, क्यों ना हम अपने इंस्ट्रूमेंट में ही वो लाइट सोर्स जो है उसको फिट कर दें। ठीक है, तो ऐसा सेल्फ इल्यूमिनेटेड रेटिनोस्कोप हमारा बनाया गया, जो कि दो टाइप का था, पहला था स्पॉट रेटिनोस्कोप और दूसरा हुआ हमारा स्ट्रीक रेटिनोस्कोप। स्पॉट रेटिनोस्कोप क्या करता था, एक सर्कुलर एरिया कवर किया करता था, यानी एक सर्कल में ये इल्यूमिनेशन प्रोवाइड किया करता था। इस इंस्ट्रूमेंट में अपना खुद का इल्यूमिनेशन था, खुद का ही मिरर था, तो ये अपने ही इल्यूमिनेशन को रिफ्लेक्ट करके पेशेंट की आई में एंटर कराता था। ठीक है, इसकी हेल्प से जो एग्जामिनर था वो
रिफ्रैक्शन को ईजीली परफॉर्म करता था। प्लेन मिरर के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा ईजी मेथड था, लेकिन इसके साथ में प्रॉब्लम्स क्या थी? क्योंकि ये स्पॉट रेटिनोस्कोप था तो स्फेरिकल पावर को तो बहुत ही अच्छे से ईजिली न्यूट्रलाइज कर देता था, लेकिन जब बात आती थी सिलेंड्रिकल पावर की, यानी कि एक एक्सिस पे नॉर्मल पावर और दूसरी एक्सिस पे डिफरेंट पावर, ठीक है, यानी दोनों एक्सिस पे जब डिफरेंट डिफरेंट पावर्स होती थी तो स्पॉट रेटिनोस्कोप की हेल्प से उसको फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। तो उसके बाद में आया हमारा स्ट्रीक रेटिनोस्कोप। अब स्ट्रीक रेटिनोस्कोप को ऐसे ही जाके कहीं बनाया नहीं गया था कि चलो एक बीम बनाते हैं उससे फिर करेंगे रिफ्रैक्शन, ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली क्या हुआ था उस टाइम पे कि जो मिस्टर कोपलैंड थे वो स्पॉट रेटिनोस्कोप के साथ में ही अपना रिफ्रैक्शन परफॉर्म कर रहे थे और वो रेटिनोस्कोप किसी कारण से गिरा, उसमें एक क्रैक आया। और आप सभी ने देखा होगा अगर मिरर पे क्रैक आता है तो क्या होता है, जो रिफ्लेक्शन का जो फिनोमेना है वो डिस्टर्ब होता है। तो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना डिस्टर्ब हुआ, जब उन्होंने दोबारा से उससे मेजर किया तब उन्हें ये आइडिया आया कि अगर हम इस स्पॉट की जगह पर एक स्ट्रीक यानी कि एक लाइन, एक पट्टी, लाइट की पट्टी अगर आंख में डालें, इंसर्ट करवाएं स्ट्रीक उसकी, तो फिर हम सिलेंडर की एक्सिस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने स्ट्रीक रेटिनोस्कोप देखा होगा तो आपने देखा होगा एक पट्टी, लाइट की एक पट्टी सी उसमें चलती है जो कि हॉरिजॉन्टल भी मूव करती है और वर्टिकल भी मूव करती है। तो चलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ हमारे रेटिनोस्कोप की, स्ट्रीक रेटिनोस्कोप से। तो हमारे पास में यहाँ पे वेल्शाइन का रेटिनोस्कोप है जिसमें कि जो कि इस तरीके से दिखता है, जिसका एक ये हेड है और ये बॉडी, ये दोनों टाइप में आता है, यानी कि ये ड्राई सेल भी आता है और उसके साथ में ही ये रिचार्जेबल बैटरी के साथ में भी आता है। तो एज़ पर कन्वीनियंस हम इसको यूज़ कर लेते हैं। इसी की हेल्प से इसमें एक स्ट्रीक बनती है और इसी स्ट्रीक की हेल्प से हम पेशेंट की आई में जो रिफ्रैक्टिव पावर है उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई हमारे रेटिनोस्कोप के टाइप्स की, प्रोसीजर क्या है ये मैं बाद में बताऊँगी। फिलहाल हम बात कर लेते हैं ऑप्टिक्स की, जो कि हमने पहले छोड़ा हुआ था रेटिनोस्कोप को डिस्कस करने से पहले। तो जो ऑप्टिक्स ऑफ रेटिनोस्कोप है, हमने दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट डिस्कस किए, मिरर एंड सेल्फ इल्यूमिनेटेड, यानी रेटिनोस्कोप में जो मिरर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करता है, ठीक है। तो जो मिरर रेटिनोस्कोप था वो उसकी ऑप्टिक्स क्या थी कि उसमें दो टाइप के हमारे पास मिरर्स प्रेजेंट थे, एक प्लेन मिरर और दूसरा कॉनकेव मिरर। जब प्लेन मिरर की हम बात करते थे, यानी लाइट रेज अगर हमने प्लेन मिरर पे की हेल्प से स्ट्राइक करवाई है हमारी रेटिना पर, तो जो इमेज का फॉर्मेशन था फोविया पे, हमारे रेटिना पे, वो किस टाइप से होता था? अगर हम मिरर को अपवर्ड मूव करते तो जो इमेज फॉर्म हो रही थी वो हमारी डाउनवर्ड मूव होती, और सिमिलरली अगर हम डाउनवर्ड मिरर को मूव करते थे तो इमेज हमारी अपवर्ड जाती है, ठीक है। तो प्लेन मिरर की ऑप्टिक्स क्या होती है? अगेंस्ट मोमेंट, यानी अगर हम मिरर को अपवर्ड मूव करेंगे तो जो हमारा इमीडिएट सोर्स ऑफ लाइट है वो हमारा डाउनवर्ड जाएगा, और अगर हम मिरर को डाउनवर्ड मूव करेंगे तो इमीडिएट सोर्स ऑफ लाइट हमारा अपवर्ड जाएगा, यानी कि ये हमें देगा क्या, एक अगेंस्ट मोमेंट। वहीं अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर की ऑप्टिक्स में क्या होता है? अगर हम कॉनकेव मिरर को अपवर्ड मूव करेंगे तो इमेज अपवर्ड जाएगी, कॉनकेव मिरर को डाउनवर्ड मूव करेंगे तो इमेज भी डाउनवर्ड मूव करेगी। इसका मतलब क्या हुआ? विद द मोमेंट। तो प्लेन मिरर की हेल्प से प्लेन मिरर में मिला हमें अगेंस्ट मोमेंट और कॉनकेव में मिला हमें विद मोमेंट। इसकी ऑप्टिक्स को मैं अपने प्रीवियस सेशन में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। अगर आपको यहाँ कुछ भी कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप एक बार मेरे प्रीवियस सेशन पर जा सकते हैं और उसको एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात की हमने इसकी ऑप्टिक्स की। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि ये इस ऑप्टिक्स का यूज़ क्या है, हम इस ऑप्टिक्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक और डायग्राम की हेल्प से आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, ठीक। तो नॉर्मली ये है हमारी आईबॉल, मैं पेन भी ले लेती हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आए। तो ये है हमारी आईबॉल, नॉर्मल आईबॉल जैसे कि होती है, हम सभी ने फिजिक्स में इसको पढ़ा हुआ है, जो ऑप्टिक्स वाला एरिया था हमने ट्वेल्थ वाले एरिया में टाइम पे भी पढ़ा हुआ है। तो जो नॉर्मल आई रहती है, जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट हमारी नॉर्मल आई के ऊपर पड़ती हैं, एंटर करती हैं, तो वो क्या करती हैं, फोविया पे जाकर
फोकस करती है। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, ईमेट्रोपिया, यानी कि विदाउट एनी रिफ्रैक्टिव एरर, यानी नॉर्मल आई जो होती है उसे हम ईमेट्रोपिया कहते हैं। और वो ईमेट्रोपिक बनती कैसे है कि जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट फ्रॉम इन्फिनिटी, यानी ये आ कहाँ से रही हैं, इन्फिनिटी से आ रही हैं, ठीक है, इन्फिनिटी से आने वाली जो लाइट रेज हैं वो जब हमारी आई में एंटर करेंगी पैरेलल फॉर्म में तो फोविया पर जाकर फोकस करती हैं। अब अगर हम बात करते हैं रेटिनोस्कोप की, रेटिनोस्कोपी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक और फिनोमेना होता है। जब लाइट रेज फोविया पर जाती हैं, क्योंकि हमने रेटिनोस्कोपी की बात की है, तो यहाँ से क्या होती हैं, ये रिफ्लेक्ट बैक भी होती हैं और रिफ्लेक्ट बैक होके ये ऑब्जर्वर तक पहुँचती हैं इन केस ऑफ रेटिनोस्कोपी, ठीक है। फोविया से जाके रिफ्लेक्ट बैक होती हैं और ऑब्जर्वर तक ये लाइट रेज पहुँचती है। तो इसी फिनोमेना को अगर हम ध्यान रखते हुए बात करें कि अगर कोई पेशेंट वन डायप्टर का मायोपिक है, वन डायप्टर मायोपिक का मतलब क्या होगा, माइनस वन डायप्टर का पावर, है ना। मायोपिया के केस में हम क्या देते हैं, कॉनकेव लेंस देते हैं ना, कॉनकेव लेंस का साइन क्या होता है, माइनस, और मूवमेंट क्या देता है, विद मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि कोई आई अगर माइनस वन डायप्टर से मायोपिक है, माइनस वन डायप्टर की मायोपिक आई अगर है, तो जो लाइट रेज फोविया से रिफ्लेक्ट होंगी उनका फार पॉइंट कहाँ बनेगा जाके, 1 मीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है। यानी यहाँ से अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ये होगा हमारा 1 मीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। फार पॉइंट क्या होता है, जो डिस्टेंट पॉइंट जहाँ पर इमेज हमारी क्लियर बनती है उसे हम बोलते हैं क्या, हमारा फार पॉइंट। तो यहाँ से जो रिफ्लेक्ट बैक होके लाइट रेज आएंगी वो 1 मीटर की डिस्टेंस पे आके फोकस करती हैं, यानी कि यहाँ पर इनका फार पॉइंट होता है। और यही वो ऑप्टिकल प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पे हमारा रेटिनोस्कोप काम करता है, ठीक है, जिसके बेसिस पे ये प्रोसीजर जो है वो परफॉर्म किया जाता है। अब ये लाइट रेज जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कन्वर्जिंग फॉर्म में आ रही हैं। अगर हम इनको और आगे बढ़ा दें तो ये किस फॉर्म में आ जाएंगी, ये कौन सा फॉर्म है हमारा, डाइवर्जेंस, ठीक है। यानी कन्वर्ज होके वो फोकस करती हैं और उसके बाद वो डाइवर्जेंट फॉर्म में चली जाती है, ठीक। अब अगर पेशेंट इस जगह पर, यानी ऑब्जर्वर अगर इस जगह पर बैठा हुआ है, पेशेंट की, ऑब्जर्वर की आई यहाँ है, पेशेंट की आई यहाँ है, और वो रिफ्लेक्स को मेजर करेगा तो उसको मिलेगा क्या, नो मोमेंट, कोई भी मोमेंट नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि फार पॉइंट पे ही ऑब्जर्वर की पोजीशन है, ठीक। माइनस वन डायप्टर का जो है मायोपिक आई है और उसका फार पॉइंट भी 1 मीटर है, और जो ऑब्जर्वर की लोकेशन है वो भी पेशेंट से 1 मीटर अवे है, तो यहाँ से जो मूवमेंट होगा वो होगा नो मूवमेंट। अब अगर हम आगे की बात करें कि हमारा एग्जामिनर इससे आगे, यानी कि कहीं इस कहीं पोजीशन पे अवेलेबल है, ठीक है, इस पोजीशन पे कहीं बैठा हुआ है आगे पोजीशन पे, तो जो लाइट रेज की प्रॉपर्टी है यहाँ पे, उनकी डायरेक्शन क्या है, कन्वर्जिंग है, यानी लाइट रेज यहाँ पे कन्वर्ज हो रही हैं। तो कन्वर्जिंग फॉर्म में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमें रेटिनोस्कोपी की हेल्प से मिलेगा विद मोमेंट, ठीक है, कौन सा मिलेगा, विद मोमेंट। इसी की तरह अगर हम इसके बिहाइंड बात करें, अवे फ्रॉम बात करें, यानी एग्जामिनर कहीं यहाँ पर प्लेस्ड है, तो इस जगह पर अगर कहीं एग्जामिनर की प्लेसमेंट होगी तो यहाँ लाइट रेज कैसी मिल रही है हमें, डाइवर्जेंस फॉर्म में, और यहाँ पर मिलेगा हमें क्या, अगेंस्ट मोमेंट। यानी अगर एग्जामिनर 1 मीटर से आगे बढ़ेगा तो विद मोमेंट मिलेगा, और 1 मीटर से ज़्यादा जाएगा, पीछे जाएगा, तो मिलेगा अगेंस्ट मोमेंट इन केस ऑफ 1 डायप्टर मायोपिक आई। इस चीज को खास ध्यान रखना है कि हम 1 डायप्टर की मायोपिक आई की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं हम मूवमेंट की, कि किस टाइप के मूवमेंट हमें रेटिनोस्कोपी में मिलते हैं। तो 2 टाइप के मूवमेंट्स मिलते हैं और कंडीशंस हमें अलग अलग मिलती हैं। फर्स्ट तो हमारा नो मूवमेंट है, कोई मूवमेंट मिलेगा ही नहीं। सेकेंड मिलता है हमें विद मूवमेंट और अगेंस्ट मूवमेंट। तो अगर नो मूवमेंट की कंडीशन है तो क्या फाइंडिंग होगी हमारी, पेशेंट ने एग्जामिन किया और एग्जामिनर ने एग्जामिन किया और पेशेंट की आई में कोई भी मूवमेंट नहीं मिला, तो कंडीशन क्या हुई, 1 डायप्टर ऑफ मायोपिया। सिंपली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं कि 1 डायप्टर का मायोपिक पेशेंट है, क्योंकि 1 मीटर की डिस्टेंस से रेटिनोस्कोपी करने पे पेशेंट की आई में कोई मूवमेंट नहीं मिला। अब अगर विद मूवमेंट मिल रहा है एट द सेम पोजिशन,
यानी कि 1 मीटर की डिस्टेंस से पेशेंट की आई में हमें विद मूवमेंट मिल रहा है, तो क्या कंडीशन हो सकती है? तो उस कंडीशन में पेशेंट ईमेट्रोपिक भी हो सकता है, लेस देन 1 डायोप्टर का मायोपिक भी हो सकता है और हाइपरमेट्रोपिक भी हो सकता है। यानी कि अगर विद मूवमेंट की कंडीशन है तो हमें 3 कंडीशंस मिल सकती हैं, आइदर ही इज ईमेट्रोपिक और ही इज मायोपिक लेस देन 1 डायोप्टर और ही इज हाइपरमेट्रोपिक, यानी कि 3 कंडीशंस हमें विद मूवमेंट के केस में मिलेंगी। अब अगर हम थर्ड वाली पोर्शन की बात करें यानी कि अगेंस्ट मूवमेंट की, तो उस केस में हमें मिलेगा मायोपिया ऑफ मोर देन 1 डायोप्टर। ठीक है, अगर अगेंस्ट मूवमेंट हमें मिल रहा है तो पेशेंट कैसा है? हाईली मायोपिक है, यानी कि मोर देन 1 डायोप्टर का मायोपिक है, वो मोर देन 1 डायोप्टर का कॉनकेव पावर पेशेंट की आई में प्रेजेंट है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है किस तरीके से मूवमेंट के बेसिस पे हम एस्टिमेट करते हैं कि पेशेंट की आई का रिफ्रैक्टिव स्टेटस है जो वो कैसा होता है। वैसे यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जो रेटिनोस्कोपी है वो बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है, बहुत ही एक्यूरेट प्रोसीजर है, जिसकी हेल्प से हम पेशेंट की आई में प्रेजेंट रिफ्रैक्टिव स्टेटस को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं और बिना पेशेंट के रिस्पॉन्स के, ठीक है, सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स के बिना हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या कंडीशन इस टाइम चल रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये प्रोसीजर होता है ऑप्टोमेट्री प्रोफेशन में। तो ये बात कर ली हमने कि मूवमेंट के बेसिस पे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब बात कर लेते हैं कि हमें चाहिए क्या क्या इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़, हमें डार्क रूम चाहिए, जैसा कि हम प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि डार्क रूम का यूज़ क्या होता है, ताकि हमें ग्लो ईजिली दिखाई दे सके। ठीक है, वैसे मुझे नहीं लगता इसके अलावा और कोई बेटर हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो फर्स्ट हो गया हमारा डार्क रूम, जिसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सेकेंड हो गया हमारा ट्रायल बॉक्स, ट्रायल बॉक्स के बिना ये प्रोसीजर परफॉर्म करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ट्रायल बॉक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं तो मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगी। ये है हमारा कॉन्वेक्स स्फेरिकल और कॉनकेव स्फेरिकल, 2 टाइप के हमें स्फेरिकल लेंसेज मिलते हैं, एक हमारा कॉन्वेक्स स्फेरिकल एक कॉनकेव। जो कॉन्वेक्स है वो प्लस पावर होता है, जो कॉनकेव है वो माइनस पावर होता है। इसके बाद हमें मिलता है एक कॉन्वेक्स सिलेंडर और दूसरा कॉनकेव सिलेंडर। ठीक है, तो कॉन्वेक्स सिलेंडर और कॉनकेव सिलेंडर ये दोनों ही अवेलेबल होते हैं ट्रायल बॉक्स में, ताकि हम सिलेंड्रिकल की एक्सिस को फाइंड आउट कर सकें कि किस एक्सिस पे पावर जो है वहाँ पर अवेलेबल है। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रेजेंट होता है वहाँ पर प्रिज्म, ये हमारा प्रिज्म है। प्रिज्म की हेल्प से हम ये फाइंड आउट करते हैं कि डेविएशन अगर आई में प्रेजेंट है तो किस डायरेक्शन में है और कितने पावर का डेविएशन वहाँ पर हमें मिल रहा है। इसके बाद आ जाती हैं एसेसरीज। एसेसरीज जो है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करती हैं, स्पेशली हमें जो पावर हमने पेशेंट को प्रेस्क्राइब किया है उनको फाइंड आउट करने में और उनके रिफाइनमेंट में। यानी कि जो पावर दिया है, अब हमने दे तो दिया, वो ठीक भी है या नहीं ये भी तो पता करना पड़ेगा ना, क्रॉस चेक तो ज़रूरी है भाई हर चीज़ में। तो इसी के लिए ये एसेसरीज हमारे पास हैं, जिसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि नहीं, हमने बिल्कुल सही पावर दिया है, यानी कि जो भी पावर है हम क्रॉस चेक करके उसको देख ले रहे हैं। तो ये एक हमारे पास जैक्सन क्रॉस सिलेंडर होता है, ये सब्जेक्टिव मेथड होता है तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। इसके बाद आ जाती है स्टेनोपिक स्लिट, ये भी सब्जेक्टिव मेथड है, इसकी हेल्प से हम सब्जेक्टिवली पेशेंट से पूछते हैं, बट ये ट्रायल बॉक्स में मिलता है। नेक्स्ट है हमारा ये रेड ग्रीन ग्लासेस वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। हमारा पिन होल है, जो पिन होल की हेल्प से हम जो सेंट्रल लाइट है उसकी हेल्प से फोकस करा के ये देखते हैं कि पेशेंट का एक्सट्रीम विजन कितना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास ऑक्लूडर आ जाता है, ये ऑक्लूडर जो है वो एक्चुअली लाइट रेस को ब्लॉक करने के लिए होता है, ताकि पेशेंट की आई में कोई एक्सटर्नल लाइट जो है वो एंटर ना करे। और नेक्स्ट है हमारा ये मेडॉक्स रॉड, ये सिलेंड्रिकल लेंसेज होते हैं, इसमें सिलेंडर की स्ट्रिप्स होती हैं जिनको पैरेलली यहाँ पर प्लेस किया जाता है, और ये एक पॉइंट लाइट सोर्स को एक इलोंगेटेड लाइट सोर्स में यानी कि एक स्ट्रीक में कन्वर्ट कर देती हैं। ठीक है, इसके बाद प्रेजेंट है हमारा ये ट्रायल फ्रेम। ट्रायल फ्रेम जो है ये किस लिए यूज़ किया जाता है, आप देख रहे होंगे ये चश्मे जैसा ही दिख रहा है, लेकिन ये चश्मा नहीं है, चश्मे जैसा ही है। इसमें डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं और इन सभी चैम्बर्स में हम इन सारे लेंसेज को फिल करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि पेशेंट की आई में कितना पावर है।
तो ये हुई सारी प्रीरिक्विसाइट्स जिनकी नीड होती है हमें रिफ्रैक्शन को यानी रेटिनोस्कोपी को परफॉर्म करने के लिए। और इसके ही साथ में अपना इंस्ट्रूमेंट मत भूलिएगा, यानी रेटिनोस्कोप का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ तक हमने प्रीरिक्विसाइट्स को डिस्कस कर लिया। अब बात कर लेते हैं प्रोसीजर की कि हम रेटिनोस्कोपी को परफॉर्म कैसे करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन आ जाता है और ये लिल बिट थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं इसको सिंपलर वे में आपको एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहली चीज़ हमें ये ध्यान रखनी होती है कि जो पेशेंट का हेड है और एग्जामिनर का हेड है वो सेम लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। लेवल अप एंड डाउन होगा तो क्या होगा, एक्सिस चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना लाइट रेस की। इस वजह से दोनों का, जो पेशेंट का और एग्जामिनर का हेड है, आई लेवल है, वो सेम होना चाहिए, सेमी डार्क रूम होना चाहिए। आपका जो रेटिनोस्कोप है वो प्रॉपरली एक्टिंग मोड में होना चाहिए, ठीक है, यानी कि सेल आपके पास अवेलेबल हो या फिर वो रिचार्ज वो चार्ज हो चुका हो, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट भी आपका रेडी होना चाहिए। उसके बाद आपको वर्किंग डिस्टेंस को मेजर करना होता है। वर्किंग डिस्टेंस जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रेटिनोस्कोपी को परफॉर्म करने के लिए। इसको हम मीटर्स में मेज़र करते हैं और डैप्टर्स में कन्वर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लेंस तो डैप्टिक पावर में दे रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं कि इनको एक मीटर का लेंस देना है, उनको पाँच मीटर का देना है, नहीं देते ना, वन डैप्टर या फाइव डैप्टर का लेंस देते हैं। तो क्या करते हैं, हम लेंथ को वर्किंग डिस्टेंस यानी हमारी लेंथ में होगी, हम दूरी को लेंथ में नापेंगे, फिर उसको डैप्टर्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम अपना कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो वन मीटर का डिस्टेंस लिया जाता है, वन मीटर की डिस्टेंस से रेटिनोस्कोपी को परफॉर्म किया जाता है, जो कि एक्यूरेसी पर्पस से थोड़ा सा ठीक होता है। लेकिन अब कुछ लोग ये कहेंगे हमारा तो हाथ ही नहीं है एक मीटर का, अब हम एक मीटर क्या दूर से जाकर रेटिनोस्कोपी करेंगे, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपके पास में एक कैलकुलेटिव मोड है, यानी कि एक फॉर्मूला रहता है, F इज इक्वल टू 1/D। इसको हम कन्वर्ट करके D इज इक्वल टू 1/F कर लेते हैं, ठीक है, सिमिलर हो जाएगा। तो D यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका टैप्टिक पावर को, और जो F है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके और पेशेंट के बीच के डिस्टेंस को, यानी कि मीटर्स में। अब अगर आपने बात की 1 मीटर की, जैसे मैंने अभी बताया एक्यूरेसी पर्पज से कि मेरे और पेशेंट के बीच का डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर है, तो हम उसको फॉर्मूला में फिल करेंगे, यानी डी इज इक्वल टू 1/F, यानी डी इज इक्वल टू 1/1। तो रिजल्ट कितना आया, डी इज इक्वल टू 1 डैप्टर। तो हमारा वर्किंग डिस्टेंस अगर हम बात करें मेजरमेंट लेंथ में तो हमारा 1 मीटर है, और डैप्टिक पावर में तो हमारा 1 डैप्टर है, ठीक है, ये प्लस में रहता है, प्लस 1 डैप्टर। अब अगर किसी ने ये कहा कि हमारा हाथ तो भाई वहाँ तक नहीं जाता, हम तो मैक्सिममली अगर करेंगे तो 66 या 67 सेंटीमीटर तक, तो सिमिलरली हम इसको भी फॉर्मूला में फिलअप करेंगे, यानी कि 100/67, क्योंकि हमने बात की थी कि F जो है वो मीटर में रहता है, हम पहले सेंटीमीटर में उसको कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद 100/67, तो रिजल्टेंट अप टू 1.50 डैप्टर का हमें मिलेगा। कुछ लोगों का हाथ और भी छोटा होता है, यानी कि वो 67 से भी परफॉर्म नहीं कर सकते, वो कहेंगे हम तो 0.5 से ही कर सकते हैं, यानी कि 50 सेंटीमीटर से कर सकते हैं। तो सिमिलरली D इज इक्वल टू 1/F, यानी कि D इज इक्वल टू 100/50 मीटर में चेंज करना है, और रिजल्टेंट हमारा कितना आ गया, 2 डायप्टर। तो वर्किंग डिस्टेंस का यहाँ पर कोई भी इशू नहीं रहता है, आपको सिर्फ प्रॉपरली उसको कैलकुलेट करना होता है, फिर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कन्वीनियंट डिस्टेंस है उस डिस्टेंस पर रेटिनोस्कोपी को परफॉर्म कर सकते हैं, और लास्टली अपने अकॉर्डिंग वर्किंग डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आप उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने आज समझ ली कि किस टाइप से हमें उस प्रोसीजर को परफॉर्म करना है। अब बात कर लेते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन कैसा होता है, कि न्यूट्रलाइजेशन हमने बात की ना कि उसका प्रिंसिपल ही है न्यूट्रलाइजेशन, तो हम कैसे करेंगे न्यूट्रलाइजेशन को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्टिकल क्रॉस की, यानी रेटिनोस्कोपी को अगर हम लिखना हमें नोट डाउन करना है नोटेशन फॉर्म में, तो उसका नोटेशन करने के लिए मैं आपको एक डायग्राम शो करती हूँ। अभी एक ऑप्टिकल क्रॉस बनाया जाता है, यहाँ पर आपको एक क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है, ये क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर जो है यही रेटिनोस्कोपी का नोटेशन फॉर्म होता है। अगर कहीं पर भी ये बना हुआ है तो समझ जाइए कि ये रेटिनोस्कोपी को शो कर रहा है, यानी आपका ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्शन हो चुका है, ठीक। इसका ये हॉरिजॉन्टल मेरिडियन होता है और ये वर्टिकल मेरिडियन होता है, इन दोनों मेरिडियंस पे पावर को लिखा जाता है
और इन्हीं के बेसिस पे इनको कैलकुलेट किया जाता है और इसी बेसिस पे आपको क्लासेस या फिर स्पेक्टिकल्स भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, ठीक है, दोनों क्रॉसेस के बेसिस पे। अब इनमें फिलिंग कैसे की जाती है तो मैं आपको फिर से एक बार बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने पेशेंट को बिठाया और रेटिनोस्कोप लेके लगभग 67 सेंटीमीटर से या फिर चलिए 1 मीटर ही ले लेते हैं, 1 मीटर की डिस्टेंस पे आप बैठे और आपने पेशेंट को एग्जामिन किया, ठीक है, फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो वर्किंग डिस्टेंस कितना हुआ आपका, डायप्टरिक पावर में कितना हो गया, 1 डायप्टर, ठीक है, कैलकुलेशन हम कर लेंगे ना, एफ इज डी इज इक्वल टू 1/f से। तो वहाँ पर हमें 1 डायप्टर का पावर जो है वो मिल गया, यानी हमारा वर्किंग डिस्टेंस अलग। अब जब हमने पेशेंट की आई में एग्जामिन करना स्टार्ट किया तो हमें मिला विद मूवमेंट। अब अगर विद मूवमेंट है तो हम क्या करेंगे, ऐसा लेंस लगाएंगे जो कि अगेंस्ट मूवमेंट दे, तभी तो वो ख़त्म होगा। यानी अगर प्लस है तो प्लस को माइनस से ख़त्म किया जा सकता है ना, अपोजिट डायरेक्शन से। तो विद मोमेंट हमें मिला। और जब हमने ट्रायल बॉक्स या लेंसेज की बात की है, जो हमने फिजिक्स में बात की हुई है कि जो कॉन्केव लेंसेज होते हैं वो विद मोमेंट देते हैं, कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं वो अगेंस्ट मोमेंट देते हैं, ठीक है। मोमेंट अगर हम मूव करके देखेंगे तो हमें समझ में आ जाता है कि कॉन्केव जो है वो विद दे रहा है, कॉन्वेक्स जो है वो अगेंस्ट दे रहा है। अब अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं कि विद मोमेंट हमें ऑलरेडी मिल रहा है, हम उस पर कॉन्केव लेंस लगा देंगे तो क्या होगा, विद डबल हो जाएगा, जो पहले हल्का हल्का विद था अब बहुत ज़्यादा विद हो जाएगा। तो हमें वो नहीं करना ना, उसको एक्सीड नहीं करना, क्या करना है, उसको न्यूट्रल करना है, ख़त्म करना है। तो हम लगाएंगे वहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि अगेंस्ट मोमेंट प्रोवाइड करने वाला लेंस। तो हमने पेशेंट को एग्जामिन किया, विद मोमेंट आया, हमने प्लस 1 लेंस लगाया, अभी भी विद मोमेंट आ रहा है, हमने प्लस 2 लेंस लगाया पेशेंट की आई में। जब हमने प्लस 2 लेंस लगाया तो हमने देखा अब तो कोई मोमेंट ही नहीं आ रहा, तो क्या ये 1 डायप्टर का मायोपिक हो गया, नहीं। जब हमने 1 डायप्टर मायोपिक की बात की है तब वहाँ कोई लेंस नहीं लगा है। इस टाइम जब हमने लेंस लगाया है और अभी पेशेंट की आई में एग्जामिन करने पे कोई मूवमेंट नहीं मिला, इसका मतलब हम न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पर पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो जो पावर हमने प्रेस्क्राइब किया वही पावर पेशेंट के लिए नीडेड है। तो पावर हमारा आया फॉर एग्जाम्पल प्लस 2 डायप्टर। तो मैं एग्जाम्पल की हेल्प से आपको बता देती हूँ। हमने प्लस 2 डायप्टर से पेशेंट को न्यूट्रल किया, प्लस 2 डायप्टर के बाद में हमारा वर्किंग डिस्टेंस कितना था, 1 डायप्टर। हमने डिस्टेंस 1 मीटर लिया हुआ था और वर्किंग डिस्टेंस डायप्टर में हमारा 1 डायप्टर आया था, तो हम प्लस 2 में से 1 डायप्टर को माइनस कर देंगे दोनों मेरिडियन से, क्योंकि दोनों मेरिडियन पे पावर हमारा प्लस 2 और प्लस 2 आ रहा है, ठीक है। हमने बात की थी ना, ये हॉरिजेंटल है और ये वर्टिकल है, दोनों का अलग अलग मेजरमेंट होता है। वर्टिकल का हम कैसे करेंगे, वर्टिकल मूवमेंट से, और हॉरिजेंटल का हॉरिजेंटल मूवमेंट से, एक स्ट्रीक रहती है उसी को मूव करा के। तो वर्टिकल और हॉरिजेंटल पे सेम पावर है, दैट इज़ प्लस 2 डायप्टर, वर्किंग डिस्टेंस है 1 डायप्टर, तो हम इसमें से 1 डायप्टर को माइनस करेंगे और रिजल्टेंट आया हमारा कितना, प्लस 1 इन बोथ मेरिडियन, यानी हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों पे प्लस 1 है। पावर कितना होगा, प्लस 1 डायप्टर स्फेरिकल, यानी कि पेशेंट को कितना चश्मे का पावर कितना होना चाहिए, प्लस 1 डायप्टर का स्फेरिकल। सेम हमने एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ में लिया हुआ है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि हमने पेशेंट को एग्जामिन किया और हमें मिला अगेंस्ट मोमेंट। सेम हमारा वर्किंग डिस्टेंस सेम है, यानी हमने 1 मीटर की डिस्टेंस से पेशेंट को एग्जामिन किया है, डायप्टरिक पावर में कन्वर्ट किया तो 1 डायप्टर की वर्किंग डिस्टेंस हुई। और जब पेशेंट को एग्जामिन कर रहे थे तो देखा कि वहाँ तो अगेंस्ट मोमेंट आ रहा है, अगेंस्ट मोमेंट को हमने फिर से न्यूट्रल किया, किसकी हेल्प से, कॉन्केव लेंस की हेल्प से, क्योंकि कॉन्केव लेंस क्या देते हैं, विद मोमेंट। पेशेंट की आई में मूवमेंट कैसा है, अगेंस्ट, तो अगेंस्ट को हम विद से ख़त्म करेंगे ना। हमने कॉन्केव लेंस लगाया, जब हमने -0.5 का लगाया फिर भी हमें अगेंस्ट मिल रहा था, हमने पावर बढ़ाया, -1 डायप्टर का लेंस लगाया, अब हमें कोई मूवमेंट नहीं मिल रहा है, यानी कि क्या हुआ, यहाँ पर फिर से हमें न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट जो है वो मिल गया, ठीक है, एक न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट मिला। अब फिर उसी पावर को हमने अपने नोटेशन फॉर्म पे फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है,
तो यहाँ पर मैंने आपका सेकंड कंडीशन का ऑप्टिकल क्रॉस बनाया हुआ है, यानी माइनस वन डेप्टर इन बोथ मेरिडियन, यही आपकी फाइंडिंग थी। अब आप क्या करेंगे, इसमें से फिर वर्किंग डिस्टेंस को माइनस करेंगे। भाई वर्किंग डिस्टेंस तो हमारी है ना, पेशेंट की तो है नहीं, पेशेंट का तो केवल उतना पावर होगा जो हम वर्किंग डिस्टेंस के बाद रखेंगे। तो माइनस वन डेप्टर को हमने उसमें से हटा दिया, अपना वर्किंग डिस्टेंस वापस ले लिया, तो रिजल्ट आया माइनस टू डेप्टर, माइनस टू इन वर्टिकल डायरेक्शन एज वेल एज इन हॉरिजेंटल मेरिडियन, यानी दोनों मेरिडियंस पे जब माइनस टू आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, पेशेंट का पावर है कितना, माइनस टू डेप्टर स्फेरिकल। ये पेशेंट का जो है वो फाइंडिंग है और यही पेशेंट का एक्सेप्टेंस होगा। इसके बाद सब्जेक्टिव एक्सेप्टेंस कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये कई बार सब्जेक्टिव के टाइम पर वेरी कर जाता है। इन माई ओपिनियन आज के सेशन के लिए टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और अभी भी हमारा काफ़ी सारा पोर्शन बचा हुआ है, तो मैं आपके साथ एक और सेशन लेके आऊँगी जिसमें कि हम रेस्ट न्यूट्रलाइजेशन के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और शायद ये आपके लिए नॉलेजेबल भी रहा होगा। तो अगले सेशन में मेरे साथ बने रहिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए और बहुत सारा एंटरटेनमेंट लेने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।